मद्य निषेध के मामले में न्यायालय का फैसला आया हुआ है, बेतिया विहार न्यायालय का। क्या मामला था और किस तरह का फैसला आया हुआ है, किस तरह की सज़ा हुई है, उसे उसकी पूरी जानकारी देने का। देखिए, आज दिनांक 30/9/2023 को विशेष न्यायाधीश मद्य निषेध श्री अमित कुमार दीक्षित एक्साइज कोर्ट सेकेंड के द्वारा मझौलिया थाना कांड संख्या 654/21 में गुरविंदर सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। दिनांक 29/11/2021 को एनएच 727 पर नानोसती और जोकटिया के बीच चिमनी भट्टा के पास मझौलिया थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पूनी श्री अशोक कुमार के द्वारा एक पश्चिम बंगाल नंबर का ट्रक को पकड़ा गया था। उस ट्रक में 4 ट्रांसफार्मर नुमा आकृति का बॉक्स लदा हुआ था। जब और एक अभियुक्त गुरविंदर सिंह ट्रक पर रंगे हाथे पकड़ा गया था। कितने उस समय कितने मामले, मतलब कितने शराब बरामद हुए थे? कुछ ट्रक का पर लदा ट्रांसफार्मर नुमा बॉक्स को स्वतंत्र साक्षी के समक्ष खोला गया तो उसमें चारों ट्रांसफार्मर नुमा बॉक्स में कुल 342 कार्टून शराब बरामद हुआ। बोतलों की संख्या 8964 बोतल हुई और 3061 लीटर शराब की मात्रा था। न्यायालय का जो फैसला है उसमें क्या सजा दिया गया अभियुक्त को? इस केस में 5 गवाहों की गवाही न्यायालय में मेरे द्वारा कराया गया है और एक केस हाई वैल्यू के सूची में चयनित था मुख्यालय द्वारा। इसमें 10 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त 1,00,000 रुपया जुर्माना भी सुनाया गया है। जुर्माना की राशि के नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास की सजा हुई है, साधारण कारावास। आपका परिचय? मैं दिनेश कुमार, स्पेशल पीपी, एक्साइज एक्ट, बेतिया, पश्चिमी चंपारण। जो अभियुक्त को सजा हुई है गुरविंदर सिंह, वो कहाँ के रहने वाले हैं? अभियुक्त गुरविंदर सिंह पिता सुरजीत सिंह, ग्राम इसका है मोहम्मदगढ़ मलेरकोटा, थाना हिमताना है, ओपी है जो, और अमरगढ़ थाना के अंतर्गत ओपी हिमताना का जिला संगूर पंजाब का रहने वाला है।